इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बहुत ही अहम खबर जिस पर बैठकर ना सिर्फ मुसलमान बल्कि माशरे के तमाम इल्मी दानिशों को बैठकर सोचना चाहिए, किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए फर्जी खबरें या अफवाहों को गश्त करते देखा जाता है, जिससे फिरका परस्तों की जानिब से शहर या गांव के माहौल को सोशल मीडिया के जरिए किस तरह फर्जी खबरें या अफवाह गश्त करती है, जिससे फिरका परस्तों की जानिब से शहर का माहौल आलूदा करने की साजिश की जाती है। बार बार इस बात को देखा जाता है, जिससे कई बार फसाद का माहौल भी पैदा होता है। लिहाजा एक बार फिर मंजरे आम पर आई है इसी तरह की एक साजिश, एक फर्जी खत पुलिस मुहकमा की जानिब से शाया करदा कहकर सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है, जिसमें लिखा है कि मस्जिदों पर लगाए गए लाउडस्पीकर जिसे अजान दी जाती है, हुकूमत यानी कि रियासत कर्नाटका की जानिब से इसे निकालने का हुक्म दिया गया। यह फर्जी खत काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होता दिखाई दे रहा, लिहाजा रियासत कर्नाटक पुलिस मुहकमा ने फौरी तौर पर इस अफवाह की दखल लेते हुए इसे गलत साबित किया और किसी तरह खत मुहकमा पुलिस की जानिब से नहीं शाया किया हुआ है ऐसा कहा गया। हासिल इत्तला के मुताबिक रियासत कर्नाटक में सोशल मीडिया पर मस्जिदों में लाउडस्पीकर की पाबंदी के सिलसिले में मुहकमा पुलिस का एक मकतूब गर्दिश कर रहा है। इस सिलसिले में कर्नाटक रियासती पुलिस ने तहरीरी तौर पर वजाहत पेश करते हुए कहा कि इस तरह की कोई भी अहकाम मुहकमा पुलिस की जानिब से जारी नहीं किया गया, लिहाजा आवाम सोशल मीडिया में जारी तबसरे पर ध्यान न दे, इस मामले में अफवाहों और गुमराह कन बातों पर तवज्जो ना दे। गुमराह कन बातें इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि इससे पहले हर्ष मुतालिक नामी एक वकील ने एक पिटीशन दायर की थी और उसका कहना है अजान जो 5 वक्त मस्जिदों की मीनारे से दी जाती है लाउडस्पीकर के जरिए, इससे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पर असर होता है। यहां तक कि जो लोग कोरोना जैसी आलमी वबा से मुतासिर हुए हैं इनके भी सेहत पर असर होता है। लिहाजा कर्नाटक पुलिस की तहरीरी वजाहत करते हुए जो अफवाह गश्त कर रही है, ये दस्तावेज जैसे डीजी और आईजीपी कर्नाटक के मकतूब के तौर पर सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है, जिसमें मस्जिदों से लाउडस्पीकर या साउंड सिस्टम को हटाने के तौर पर अहकाम के तौर पर जारी करने की बात कही गई है, जो सरासर गलत है। ऐसा कोई हुक्म नाफिज नहीं किया गया। तस्दीक के बाद मालूम हुआ कि यह खत मनगढ़ंत है और बगैर किसी आला अहकाम के इजाजत के एक क्लर्क ने तमाम पुलिस कमिश्नरों और रियासत कर्नाटक के तमाम अजला के सुपरिटेंडेंट और पुलिस को जारी किया है, पर हकीकत में कोई भी ऐसा हुक्म नहीं दिया गया कि मस्जिदों के स्पीकर को हटाया जाए। अवाम से दरखास्त की है पुलिस महकमा ने कि वो किसी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दे। खैर, पुलिस ने कहा कि तहकीक जारी है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर उस क्लर्क ने किसके कहने पर ये फर्जी खबर को फैलाया, आखिर कौन है इस अफवाहों के पीछे। हम सभी जानते हैं कि बेंगलोर पिछले कुछ महीनों पहले बड़े फसाद के दौर से गुजरा है। क्या कोई पुलिस महकमा में फिरका परस्त जहन का शख्स छिपा हुआ है या जानबूझकर कोई पूरी रियासत में फसाद बर्पा करना चाहता है। इस खबर को कई न्यूज चैनलों ने भी शाया किया, अखबार की सुर्खियां भी बनाई गई। यह खत सिर्फ लाउडस्पीकर निकालने तक ही नहीं था बल्कि तासुब से भरा इसलिए कहा जा सकता है कि इसमें अजान यानी लाउडस्पीकर से दिन में 5 वक्त दी जाती है और इसे बच्चे बूढ़े खवातीन और हजरात को तकलीफ होती है जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, बच्चों की पढ़ाई पर असर होता है ये भी कहा गया। कोरोना जैसी बीमारी से मुतासिर लोग जो है इस अजान से जिन्हें तकलीफ होती है ये भी अल्फाजों को इस्तेमाल किया गया। अब कई मुस्लिम जमातों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है इतनी बड़ी साजिश इंतजामिया के दरमियान बैठकर जो भी कर रहा है इस पर सख्त कार्रवाई करे। अगर कोई सियासी लीडर या सियासी पार्टी या कोई फिरका पर तंजीम भी है तो इन्हें जल्द सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। यकीनन ये बहुत बड़ी साजिश है इस अफवाह के पीछे होने की बात कही जा रही है, लिहाजा अब पुलिस महकमा की जिम्मेदारी है कि इस खतरनाक साजिश के पीछे कौन है जो पुलिस महकमा में बैठकर नफरत की आग लगाना चाहता है। जो भी हो, पर बहुत जल्द मुजरिम बेनकाब होंगे और सच्चाई आवाम के सामने आएगी।
खबरदार रहिए, होशियार रहिए, क्योंकि वक्त बहुत नाजुक है, साजिशें गश्त कर रही हैं, अफवाहें गश्त कर रही हैं और अतराफ में साजिशों के जाल बुने जा रहे हैं। खैर, पुलिस महकमा ने अपनी जानिब से इसे पूरी तरह से गलत फर्जी बताया है, लेकिन अवाम को भी चौकन्ना रहना चाहिए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।